देखें कि डिफरेंट मिरर के केस में मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होती है, ठीक ना। मैग्निफिकेशन कितना होता है, जैसे प्लेन मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तीनों का अलग अलग सेपरेट डिस्कशन करेंगे। ओके, देखिए बेटा, ओके बेटा, प्लेन मिरर के केस में मैग्निफिकेशन एम की वैल्यू ऑलवेज वन होती है। कितनी होती है? वन होती है। रीजन क्या है उसका? कि इमेज की हाइट हमेशा ऑब्जेक्ट की हाइट के इक्वल होता है। इमेज की हाइट हमेशा ऑब्जेक्ट की हाइट के इक्वल होता है। इमेज हमेशा वर्चुअल बनता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है। इमेज हमेशा वर्चुअल बनता है, इसलिए बेटा एम की वैल्यू हमेशा प्लस वन होती है। क्या होती है? प्लस वन होती है। ओके, तो बेटा प्लेन मिरर के केस में मैग्निफिकेशन हमेशा प्लस वन होता है। उसका रीजन क्या है? कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के इक्वल होता है। आप बताइए कितना होता है प्लेन मिरर के केस में? प्लस वन होता है। रीजन क्या है? इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के इक्वल होती है। इमेज हमेशा कैसा बनता है प्लेन मिरर में? वर्चुअल बनता है। ओके, चलो हम डिस्कस करते हैं कॉनकेव मिरर में। ओके बेटा, देखिए कॉनकेव मिरर के केस में मैग्निफिकेशन माइनस वन भी हो सकता है। माइनस वन कब होता है बेटा? जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी होती है, उस केस में इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट के इक्वल होती है, मैग्निफिकेशन माइनस वन होता है। कितना होता है? माइनस वन होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखी होती है बेटा, उस केस में एम की वैल्यू ग्रेटर देन वन होती है। इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से ग्रेटर होती है। इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से ग्रेटर होती है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और आपका फोकस के बीच में होती है, उस केस में हम देखेंगे तो इमेज जो है वो मैग्निफाइड बनता है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट बियॉन्ड से रखी है या इन्फिनिटी पर रखी है, तो उस केस में यम लेस देन वन होता है। बेटा जब भी इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी होती है, तो उस केस में यम लेस देन वन होता है। ऐसा कब होता है बेटा? जब कोई ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखी होती है या इंफिनिटी में रखी होती है। चलो दोनों केस बताइए कि यम ग्रेटर देन वन कब होता है? जब भी इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से ग्रेटर होती है। यम लेस देन वन कब होता है? जब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से कम होती है। ऐसा कब होता है बेटा? जब किसी कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखी होती है, तो उस केस में यम लेस देन वन होता है बेटा। और जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखी होती है, तो उस केस में बेटा यम ग्रेटर देन वन होता है। और जब भी ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखी होती है, यम ग्रेटर देन वन होता है। इसका मतलब कॉनकेव मिरर में यम माइनस वन भी हो सकता है और ग्रेटर देन वन भी हो सकता है, लेस देन भी वन हो सकता है। नेक्स्ट केस देखो बेटा, यम ग्रेटर देन जीरो, यम ग्रेटर देन जीरो मींस पॉजिटिव, यम लेस देन जीरो मींस निगेटिव।
m greater than 0 means positive means virtual image, m less than 0 means negative means real image. तो concave mirror में ये दोनों केस हो सकते हैं बेटा. जब virtual image बने तो m greater than 0, जब real image बने तो m less than 0. इसका मतलब ये हुआ बेटा कि concave mirror में magnification greater than 0 means positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है. वो depend करेगा कि image real है या virtual है. आप बताइए, आपने 7th क्लास में पढ़ा था कितने केस में इमेज रियल बनता है बेटा कॉनकेव मिरर में? 5 केस में. कितने केस में वर्चुअल बनता है बेटा? 1 केस में. तो जब इमेज वर्चुअल बनेगा तो यम जो है ग्रेटर देन 0 होगा, जब इमेज रियल बनेगा तो उस केस में यम लेस देन 0 होगा. कॉनकेव मिरर में यम जो है 5 केसेस में बेटा लेस देन 0 होता है, 1 केस में ग्रेटर देन 0 होता है. ये बात आपको याद रखनी है. क्या याद रखनी है? याद रखनी है. कौन बताएगा आप में से? ओके, याद है आपको.